विद्यार्थियों, कल तक हमने 30वें पद्य तक पढ़ा दिया था, अब आज 31वें से प्रारंभ करते हैं। प्रसंग ये चल रहा है, शिव भगवान हिमालय पुत्री पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न चित्त होकर और मन में दया भाव को धारण करते हुए और माँ पार्वती के सम्मुख उपस्थित हो गए हैं, एक ब्रह्मचारी के वेश धारण करते हुए। क्योंकि अब वो समय आ गया कि जिस समय उन्हें पार्वती की परीक्षा लेनी है, क्योंकि माँ पार्वती अगर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है तो फिर उन्हें वो पति के रूप में मिल जाएंगे। तमाथिते ही बहुमान पूर्वया सपर्या प्रत्युदयाय पार्वती भवन्ति सम्मेऽपि निविष्ट चेतसाम बपूर्विशेषो स्वति गौरवः क्रिया। एक बार और देखिए, तमाथितेहि बहुमान पूर्वया सपर्या प्रत्युदयाय पार्वती भवन्ति सम्मेऽपि निविष्ट चेतसाम बपूर्विशेषे स्वति गौरवः क्रिया। संधि विच्छेद छंद वही है, वंशस्थ छंद। तम धन आतिथे ही, तमातिथे ही। तीसरे चरण में साम्ये धन अपि साम्येपि। चौथे चरण में बपुहु धन विशेषेषु धन अति गौरवाः बराबर बपूर विशेषेष प्रति गौरवाः। अन्य आतिथे ही पार्वती तम बहुमान पूर्वया सपर्यया प्रत्युदयाय साम्येपि निविष्ट चेतसाम बपुः विशेषेषु अति गौरवाः क्रियाः भवन्ति। प्रसंग्य कड़ी में आश्रम में जब ब्रह्मचारी के वेश में शिव पदार्पित कर चुके हैं और पदार्पित कर वे जब कुछ कहें उसके पहले ही कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हिमालय पुत्री पार्वती जो अभी ब्रह्मचारिणी और एक तपस्विनी के रूप में है वे शिव भगवान के अतिथि सत्कार करना चाहती है, क्योंकि हमारी ये संस्कृति परंपरा अतिथि देव होवा। हमारे घर में हम जहाँ निवास करते हैं वही पार्वती का भी घर है, भले ही घर कुछ नहीं है लेकिन आश्रम है, तपोवन है जहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ कोई अतिथि के रूप में आए तो उनका सत्कार करना आवश्यक है, इसलिए अतिथि सत्कार करने में लग गई माँ पार्वती। बोले आतिथेयि अतिथिषु साध्वी आतिथेयि, मतलब आतिथ्य कर्म में जो निपुण है दक्ष है ऐसी, ये विशेषण है पार्वती का। पर्वतस्य पत्यम स्त्री पार्वती हिमालय पुत्री पार्वती ने तम यानी उस ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी वेश में उस शंकर भगवान को बहुमान पूर्वया, क्योंकि पार्वती को पता नहीं कि स्वयं शंकर भगवान आए हुए हैं, लेकिन उनको ये जरूर ये जो कर्तव्य है कि हमारे घर में कोई पधारे अतिथि तो उनका सत्कार अतिथि सत्कार होना चाहिए, इसी कर्तव्य को निर्वहन करते हुए उन्होंने तम माने उस ब्रह्मचारी को बहुमान पूर्वया अत्यंत सत्कार पूर्वक
अति आदर पूर्वक सपर्यया, सपर्या शब्द की तृतीय विधि एक वचन सपर्यया, पूजा से, पूजा के द्वारा क्या किया, प्रत्युदियाय, प्रति उपसर्ग उत धातु, उद धातु, ठीक है, उद धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्युदियाय अर्थात उनका स्वागत किया, पति उज्जगाम इत्यर्थ, उनके पास जाकर उनका सत्कार किया, स्वागत किया। तो इसका समर्थन करते हुए कह रहे क्यों स्वागत किया, क्योंकि स्वयं तो एक तपस्विनी है, स्वयं तो एक ब्रह्मचारिणी है, तो दूसरे ब्रह्मचारी को करने की क्या जरूरत है, लेकिन यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा है कि बराबरी में कोई आए तब भी उनका सत्कार करना, अपने से नीचे भी आए तब भी उसका सत्कार करना, अपने ऊपर से अपन से ज्यादा अधिक अधिकता गुण से, अधिक गुण से युक्त हो, गुणवान हो तो उसका भी सत्कार करना, अपने से बड़े का भी करना, अपने छोटा बड़ा या अपनी बराबरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक हमारी संस्कृति ये परंपरा कहती है, विशेष रूप से जो महान व्यक्ति होते हैं, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, उनके समक्ष सारे समान हैं, जो भी आए वो उनके लिए अतिथि है। तो ब्रह्मचारी भले ही हों और स्वयं भी ब्रह्मचारिणी हैं, बराबर ही है, फिर उनका सत्कार करना, ये कोई जरूरी नहीं है कि गृहस्थ ही ब्रह्मचारी का करेगा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का नहीं करेगा, शिक्षक शिक्षक का नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, शिक्षक भी शिक्षक का करेगा, दूसरे लोग तो करेंगे, सामान्य लोग वो भी करेंगे, एक ब्रह्मचारी का दूसरे भी करेंगे, ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी का सत्कार करेगा, ये हमारे नियम है, हमारी परंपरा है, ये कालिदास का कथन है। और ये पार्वती के चरित्र का वैशिष्ट्य भी है। तो पार्वती ने इसका जो समर्थन करने के इस बात को कहते क्यों किया उनका स्वागत, ना इसीलिए किया कि साम्य अपि, बराबरी में भी, बराबर है क्योंकि वो ब्रह्मचारी ये ब्रह्मचारिणी है, फिर भी निविष्ट चेत साम, निविष्टम चेत एसाम ते निविष्ट चेता सह तेसाम निविष्ट चेत साम, जिनका चित्त, जिनका अंतःकरण, जिनका चेत निविष्ट स्थिर, स्थिर चित्त वालों की जो बपुहु विशेषेशु अतिगौरव क्रिया भवंती, उनकी जो क्रियाएं, उनका जो आतिथ्य सत्कार व उनका सम्मान कैसे होते हैं, न बपु कहाँ होते हैं, न बपु विशेषेशु अति गौरव क्रिया भवंती, विशिष्ट बपु वालों में विशिष्टता को, विशिष्ट व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं, ऐसे लोगों पर उनकी क्रियाएं भी, उनकी जो सत्कार भी, आतिथ्य सत्कार भी अत्यधिक आदर युक्त हो जाते हैं, अति गौरव अत्यधिक गौरव गुरुता से युक्त होते हैं, उनकी क्रियाएँ अर्थात उनका सत्कार, उनका व्यापार, उनका कार्य और गौरवास्पद हो जाता है, क्योंकि विशेष शरीर वाले अगर आ जाए, विशिष्ट शरीर वाले, ये विशिष्ट शरीर वाले क्योंकि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का वेश को धारण कर रखा किन्होंने, शंकर भगवान ने, सामान्य शरीर भी नहीं है, इसीलिए साम्य भी, समानता होने पर भी जो निविष्ट चित्त वाले होते हैं, स्थिर चित्त वाले होते हैं, अर्थात जो स्वाभिमानी नहीं होते हैं, जो मनस्विनी होते, जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, ऐसे तपस्वी एकाग्र चित्त वालों के लिए सामने बराबरी वाले भी आ जाए क्यों ना, अगर वो विशिष्ट बहु वाले, उनके प्रति उनका सत्कार, उनका सम्मान और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और अच्छे तरीके से उनका सम्मान आदर सत्कार करते हैं, इस प्रकार इस बात के द्वारा उस उनके सत्कार का, सत्कार करने के कार्य की क्रिया को समर्थन करने के कारण इसमें कौन सा अलंकार हुआ, अर्थांतर न्यास। और इसमें विशेष रूप से पार्वती के चरित्र पर चरित्र का चित्रण किया गया है, क्योंकि माँ पार्वती घमंडी नहीं थी, अभिमानी नहीं थी, अगर अभिमानी नहीं होती तो फिर ब्रह्मचारी को देखकर उठती नहीं और उनका सत्कार भी नहीं करती, ये ध्वनित हो रहा है, इससे उनका निराभिमानिता, निरहंकारिता का पता चल रहा है, और
क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, राग द्वेष से युक्त होते हैं, और वो बराबरी व्यक्ति आ जाए बोले अरे मैं तो खुद ही उसके बराबरी का हूँ, मैं क्यों सम्मान करने जाऊँ, वो मुझे करे वो मेरा करे, मैं क्यों उसका करूँ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ उससे, समझ में आया। तो इस प्रकार वो उन्होंने नहीं किया बल्कि उनका सत्कार और अच्छी तरह किया, क्योंकि यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा, और यही बाप हिमालय पुत्री जो पार्वती उनके चरित्र की भी यही विशेषता। आगे बढ़े, संस्कृत में एक बार इसको बोल दूं, यदा ब्रह्मचारी वेशेण रुद्र भगवान व शंकर पार्वत्याः समक्षम आजगाम तदा तत्र पार्वती गत्वा तस्य स्वागतम चकार। यतो हि सा पार्वती दृढ़निश्चय आसीत् अपि च स्वाभिमानिनी आसीत्, न तो अभिमानिनी अपि तु स्वाभिमानिनी आसीत्, अतः तत्र शंकर भगवानस्य सत्कारे सा आत्मानं नियुक्तवती। अत्र कवि कथयति एतत् तथ्यं समर्थयितुं यत् ये निविष्ट चेता चेतसः भवन्ति ते साम्येपि तथैव आचरणं विदधति यथा इतेषां सम्माने कापि न्यूनता न आगच्छे। यतो हि विशिष्ट शरीर बन्तः विशिष्ट व्यक्तित्व बन्तः ये आगच्छन्ति तेषां सम्माने किमपि विशिष्टं सम्मान विधीयते इति, एषा परंपरा वर्तते, एषा अस्माकं सांस्कृतिक विशिष्टता वर्तते, एतत् चित्रयति महाकवि कालिदासः। अग्रे गच्छामः, आगे चले। विधि प्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय चक्षणम् उमां सपश्यन् नृजिनेव चक्षुषा प्रचक्रमेव तुमनुज्झितः क्रमः। प्रसंगे कि पार्वती के द्वारा जब उस ब्रह्मचारी का सत्कार किया गया तब उस सत्कार से कुछ थकावट जिनकी दूर हो गई, जो क्लांत रहित हो गए, और एक सहजता को जिन्होंने अनुभव किया, ऐसे उस ब्रह्मचारी ने कुछ कहना प्रारंभ किया कि पहले सत्कार मिलने के बाद हमें विश्वास हो जाता भाई ठीक है ये हमारी बात को कुछ सुन सकते हैं व सुन सकती है, तो ये पार्वती इनके बात को सुन सकती है ऐसा समझ कर ये हमारे शिष्टाचार है, पहले सत्कार पढ़ने के पश्चात फिर हम कहना प्रारंभ करते हैं। तो ये इस परंपरा के अनुरूप अब पार्वती से बोलना प्रारंभ किया ब्रह्मचारी ने, यह वर्णन है। आप देखिए संधि विच्छेद तीसरे चरण में पश्यन धन रुजुना धन एव बराबर पश्यन रुजुनेव, पश्यन धन रिजुना धन रिजुना धन एव पश्यन रुजुनेव। चौथे चरण में वक्तुम धन अनुज्झित क्रमः वक्तुम अनुज्झित क्रमः अन्वय विधि प्रयुक्ता सत्क्रियां परिगृह क्षणं परिश्रमं विनीय नाम च सह उमां रुजुना एव चक्षुषा पश्यन् अनुज्झितः क्रमः वक्तुं प्रचक्रमे। करें विधि प्रयुक्तां सत्क्रियां परिगृह, विधि पूर्वक नियम पूर्वक जो सत्क्रिया माने सत्कार किया गया आचरण में लिया गया, उस सत्क्रिया को, उस सत्कार को, उस सम्मान को, उस आदर को, उस स्वागत की प्रक्रिया को परिगृह, परि उपसर्ग गृह ग्रह धातु लेप प्रत्यय
परिगृह स्वीकार करके ग्रहण करके विधि पूर्वक प्रयोग में ली गई, पार्वती के द्वारा विधान की गई जो सत्क्रिया, जो स्वागत सत्कार, उस सत्कार स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है, भाई आएंगे उनको बैठाएंगे, फिर उनकी पादोदक से पैर धुलेंगे, पैर धोने के लिए देंगे पानी हैं, फिर अर्घ्य जल से देंगे, पुष्प चंदन कुकुम देंगे, फिर ठंडा पानी पीने के लिए देंगे, फिर आदि आदि भोजन सामग्री जो है देंगे। यहाँ भोजन क्या होगा, चाय पानी थोड़ी दे सकते पार्वती, यहाँ जो कंद मूल जो फल अगर गिरे होंगे पेड़ पौधों से उसको इकट्ठा करके रखी होगी, उससे उन्होंने सत्कार किया होगा, और नदी का जल जो है गंगा नदी का जल उससे पीने के लिए दिया। तो इस प्रकार जो आतिथ्य सत्कार जो मिला उस सबको प्राप्त करके स्वीकार करके कौन ब्रह्मचारी क्षणम परिश्रमम विनीय, थोड़ी देर थकावट को दूर करके, विनीय नाम माने दूर करके, और सह उस ब्रह्मचारी ने उमा पार्वती उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा दृढ़ानी चंडिका अंबिका, ये सब पार्वती के पर्यायवाची है, शब्द हैं, पार्वती के नाम है, अमरकोश में है, उमा भी पार्वती का नाम है, ठीक है, मेनका भी पार्वती का नाम है, हैं, उमा पार्वती गौरी दृढ़ानी चंडिका अंबिका अनेक रंग नाम मैंने जो अभी बोला कात्यायनी, ठीक है ना, काली बा, ये सारे के सारे पार्वती के नाम है, अमरकोश में है। तो उस उमा को, इस हिमालय पुत्री पार्वती को, जो कि अभी तपह कार्य में निरत है, जो अभी तपस्विनी के वेश में है, जो कठोर तपस्या अभी कर रही है, ऐसे उमाम रिजुना एव चक्षुषा, रिजु शब्द तृतीय व्यक्ति रिजुना माने सरल चक्षु से, नेत्र से, सरल आंख, भाई सरल नेत्र क्या होता और फिर टेढ़ा नेत्र क्या होता, सरल नजर, सीधी नजर और टेढ़ी नजर, सीधी नजर मतलब सरल तरीके से सामान्य रूप से जो हम देखते हैं उसको सरल लगते हैं, स्वाभाविक, उसमें किसी प्रकार छंद कपट बहाना कुछ नहीं रहता, क्योंकि ये आंखें बहुत कुछ बताती, ये आंखें वात्सल्य स्नेह को बताता, ये आंखें क्या बताती है, स्नेह को बताती है, ये आंखें भक्ति को, श्रद्धा को, ये आंखें प्रेम प्यार मोहब्बत को बताती है, इसमें सत्वगुण भी है, रजोगुण है, तमोगुण है। रजुना चक्षुषा का तात्पर्य है कि शिव जी जो पार्वती को देख रहे हैं ब्रह्मचारी के रूप में, अभी तो ब्रह्मचारी शिव जी वाली बात नहीं आनी चाहिए क्योंकि पार्वती को पता नहीं है, ब्रह्मचारी देख रहा है एक पार्वती को, पार्वती एक युवा है, युवती है, युवा स्त्री है, युवती है, और एक युवती को एक ब्रह्मचारी युवक देखे, उसकी आँखों में अगर सरलता नहीं हो तो फिर और कुछ द्योतित हो जाएगा, समझ में आया। रिजुना चक्षुषा कहने के तात्पर्य है कि वहाँ कोई अनुराग प्रेम प्यार है, ये पार्वती को नहीं पता होना चाहिए, अगर पता लग जाए कि ये मुझे इस नज़र से देख रहा है फिर पार्वती भड़क जाएगी, नाराज हो जाएगी, और ये ब्रह्मचारी तो बहुत बदमाश है, तो धूर्त है, अरे ये तो, और इसकी आंखें तो और कुछ बता रही हैं, तो इस प्रकार वो जो भाव भक्तिभाव नहीं रहेगा, और उससे आगे की जो प्रक्रिया जो शिव जिस उद्देश्य के लिए ब्रह्मचारी आए हुए वो सफल नहीं होगा। और इसके माध्यम से ये भी शिक्षा है, भले आगे होगा लेकिन कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी युवा पुरुष अगर किसी युवती को देखे तो इस नज़रिया से देखना चाहिए, सरल नज़र से देखना चाहिए, वो आँखों में उस तरह इशारा नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो गलत है, क्योंकि रजोगुणात्मक भाव नहीं होना चाहिए। तो ये द्वितीय हो रहा है। तो उससे पश्यन देखते हुए, दृश्य धातु शत्रु प्रत्यय से हुआ, देखते हुए अनुज्जित क्रम न उज्जित क्रम यस्मिन सह अनुज्जित क्रम, जिसमें क्रम का परित्याग नहीं किया गया, अक्रम माने क्रम विहीन नहीं है, भाई बिना पूर्वापर प्रसंग से कोई बात नहीं की जाती है, बिना क्रम छोड़ के अगर कोई बोला जाए तो बात अलग हो जाए, जैसे हम पहुंचे किसी घर, हम एक एक धीरे धीरे क्रम से चलेंगे ना, हम बीच में बात करते करते और कुछ बात कहते तो मामला बिगड़ सकता है, तो
तो अनुजित क्रम अक्रम को न छोड़ते हुए जिस क्रम से कहना चाहिए उसी क्रम से, क्योंकि एक लड़की को लड़का बात करे, एक युवा युवती को एक युवक बोले, तो वहाँ बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखे तो कुछ भी मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इस प्रकार क्रम को परित्याग न करते हुए वक्तुम प्रचक्रमे, वक्तुम माने कहने के लिए प्रारंभ किया, वक्तुम वच धातु या बद्ध धातु, ठीक है ना, उसे तुमन प्रत्यय, वक्तुम वच से तुमन प्रत्यय क्या हुआ, वक्तुम प्रचक्रमे। प्रोपसर्ग क्रम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, प्रारंभ किया, कहने को प्रारंभ किया, कुछ कहने लगा। हिंदी में एक बार और सामान्य रूप से बताऊं कि विधि प्रयुक्ताम, विधि पूर्वक जो की गई सत्क्रिया सत्कार को स्वीकार करके थोड़ी देर थकावट दूर कर उस ब्रह्मचारी ने पार्वती से सरल नजर डालते हुए अर्थात बिना राग द्वेष के दृष्टिपात से नजर से क्रम न तोड़ते हुए कुछ कहना प्रारंभ किया। पार्वत्या प्राप्त सत्कार सह ब्रह्मचारी अनुराग रहितेन नेत्रेण ताम उमाम पश्यन् तस्य उमाये किमपि पक्तुम् प्रारब्धवान् इत्यर्थः। इसमें परिसंख्या अलंकार है। आगे बढ़े, ब्रह्मचारी प्रसंग ये चल रहा है, आगे वाले श्लोक हैं उसमें ब्रह्मचारी पार्वती से उसकी कुशलता का जो समाचार है वो पूछते हुए कहते हैं, जो कुछ कह रहे हैं आगे उस श्लोक में, भाई हम जब किसी के वहाँ जाते हैं तो उसके हाल चाल पूछते हैं, भाई सब ठीक है, घर में सब मंगल है, सुख है, आप जो विधान कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसके पूछते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे, भाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही, तुम्हारे क्लास वगैरह चल रही कि नहीं चल रही, तुम्हारे सर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, कोई ये नहीं हो रहा, तो इस प्रकार पूछते हैं। अगर गृहस्थी हो तो उसको पूछते भाई स्वास्थ्य तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं, तुम्हारे बच्चे ठीक पढ़ाई लिखाई कर रहे कि नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हालचाल पूछा जाता है। तो यहाँ भी वही परंपरा है कि हम किसी के वहाँ जाते हैं, हम उनके कुशल क्षेम पूछते हैं, तो उस क्रम को ध्यान में, उस क्रम का ध्यान रखते हुए ब्रह्मचारी यहाँ प्रारंभ किया पूछना उनकी हालचाल, किनकी, पार्वती की, क्या पार्वती जो तपस्या कर रही, तपस्या से संबंधित जो बातें हैं उन बातों से संबंधित कुशल क्षेम पूछा, भाई तुम जो संविदा ला रहे हो, संविदा का हवन कर रही हो, हवन कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुसाएँ जो ला रही है कुसाएँ ठीक चल रही कि नहीं चल रही, पानी वानी ठीक है कि नहीं, तुम स्नान जो कर रहे हो, नहा रहे हो धो रही हो, उस स्नान करने योग्य है कि नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम्हारा शरीर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो तपस्या करते करते अपने शरीर को भूल जाओ, क्योंकि शरीर तो सब कुछ है। ये आगे कहेंगे शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसी में चलो बोलता हूँ। अपि क्रियार्थम सुलभम समीत कुसम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। छंद होइए लक्षण संधि विच्छेद। दूसरे चरण में जलानी धन अपि जलान्यपि, चौथे चरण में शरीरम धनाद्यम शरीरमाद्यम, शरीरम धनाद्यम बराबर शरीरमाद्यम अन्नयः अपि क्रियार्थम समेत कुसम सुलभम अपि जलानी ते स्नान विधि क्षमाणी अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे खलु शरीरम आद्यम धर्म साधनम। क्योंकि माँ पार्वती जो हिमालय की पुत्री तपह कर्म में निरत है, तपह कार्य में तपस्या के कार्य में संपृक्त है, इसलिए तपस्या संबंधित जो सामग्रियां हैं व तपस्या संबंधित जो घटनाएं हैं जो वस्तु है उन सब की कुशलता
पूछते हुए ब्रह्मचारी पूछ रहा है। अपि क्या क्रियार्थम हवन आदि कार्य करने के लिए संपादन करने के लिए समित कुसम सुलभम समिदाय और कुसाएं सुलभ तो है, हवन करने के लिए समिदाय चाहिए और कुसाएं भी चाहिए। कुसा तो कई तरह का आसन बना करके बैठना पड़ेगा, अगर आपको हवन से पहले जो संकल्प करना है उसमें भी कुसाओं की जरूरत है। पूजा के क्रम में जब उनको आसन दिया जाता वो कुसाओं को दिया जाता, इस प्रकार कुसाओं का तो विधान है ही है, कुसा के बिना नहीं चलेगा और समिदाओं के बिना भी नहीं चलेगा, क्योंकि समिदाओं से अग्नि को ईंधन मिलेगा, फिर बाद में से ना घी डालेंगे लेकिन पहले तो ईंधन चाहिए। नहीं, यहाँ पार्वती घी कहाँ से लाए, घी तो यहाँ है ही नहीं, पर ईंधन को वो अपने तपोबल से ईंधन प्रज्वलित करके समिदा डाल रही होगी और कुसाएं डाल रही होगी, उससे हवन होता होगा। नहीं, माँ घी कहाँ से लाएगी माँ पार्वती, ठीक है ना। बोले क्रियार्थम हवन कार्य के लिए समित कुसम, इसलिए घी की बात नहीं कही, समिधाएं और कुसाएं की बात करी। कालिदास का शब्द सौंदर्य यही है, कालिदास ऐसे कोई बात नहीं कहे जो अटपटा लगे, जो वहाँ फिट नहीं बैठे, वो फिट जो जंगल में सुलभ जो सामग्री है उन सामग्रियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आश्रम तो और कोई नहीं था भाई, गाय पालने वाले तो कोई नहीं थे कि घी भी आ जाए। आश्रम जैसे मुनि ऋषि लोग बैठते हैं, वहाँ बिल्कुल अपने आश्रम चलाते, शिष्य रहते, परंपरा रहती, वहाँ सेवक रहते, सब आता, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, अकेली है वो तपस्या कर रही, वो गाय कहाँ आएगी, घी कहाँ आएगी। नहीं, तो इसलिए माँ समिधाएँ और कुसाओं की बात पूछी। समिधाएँ और कुसाएँ सुलभते हैं, आसानी से तो मिल जाते हैं, अगर आसानी से नहीं मिलेंगे कठिन से मिलेंगे, बहुत दूर जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगी और अब थक जाएगी, फिर अपन कैसे करेगी, फिर अपन तपस्या कैसे करेगी, क्योंकि शरीर तो स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, तब कोई कार्य संपन्न होता नहीं। जब तक शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तब तो कोई कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे आप भी तपस्या करते हो, अध्ययन छात्राणाम अध्ययनम तप, पढ़ाई करो, पढ़ाई में आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए, आप तरीके से आते हो, बैठते हो, कॉलेज में पढ़ते हो। आप अगर बहुत दूर तक पैदल चलना पड़े 10 किलोमीटर, आपका टाइम खराब हो जाएगा, थक जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, अगर पढ़ भी लिए वहाँ आकर घर में पहुँचते पहुँचते थक जाएंगे, सो जाएंगे, फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका वो भी ध्यान रखना पड़ता है। किताबें होनी चाहिए, किताबें नहीं तो क्या पढ़ोगे, गुरुजी पढ़ा दें, आप घर में टेक्स्ट बुक चाहिए हैं, तो टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए उस सब की जरूरत है, आवश्यकता है। तो इस प्रकार यहाँ तपह कार्य के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जंगल में मिलने लायक चीज़ें हैं, वह है समिदाएँ और कुसाएँ, वो सुलभते हैं, इस प्रकार पूछा। दूसरा फिर अपि जलानी ते स्नान विधि क्षमाणी, ये जो जल है, पानी है जिसमें स्नान करते हो, वो तुम्हारे स्नान करने योग्य है कि नहीं है। क्यों, अगर ज़्यादा ठंडा हो दिक्कत है, गर्मी में ज़्यादा गर्म हो तब भी दिक्कत है, क्या आपके शरीर को सुहाने लायक ऐसा पानी जल सुलभ तो है जिससे आप स्नान कर सकते हो। स्नान नहीं करोगे तो फिर अभिषेक नहीं होगा, अभिषेक नहीं होगा तो फिर हवन कैसे करोगे, बिना स्नान किए तो कोई पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, नित्य कर्म में सब लिया गया स्नान को। हाँ, प्रातः काल में हम स्नान जरूर करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान के बाद होता है, इसलिए पूछा जाता स्नान ध्यान हो गया, पूछते नहीं स्नान ध्यान हो गया, फिर स्नान ध्यान के बाद भोजन हो गया, भोजन बाद में नहीं, पहले कोई पूछता क्या भोजन हो गया क्या, पहले पूछते भाई स्नान हो गया, हाँ स्नान हो गया, ध्यान हो गया, ध्यान में पूजन पाठन जो भी करना वो हो गया, फिर भोजन हो गया, फिर कहेंगे पठन हो गया, पढ़ाई भाई पहले उधर पूजा फिर बाद में जो होगा, नहीं। तो इस प्रकार वो पूछते हैं जलानिते स्नान विधि क्षमाणी, ये पानी तुम्हारे स्नान करने योग्य है कि नहीं है। फिर पूछते हैं अपि स्वशक्तिया, क्या अपनी शक्ति के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप, स्वस्य शक्ति ही स्वशक्ति ही तया सो शक्तिया, अपनी शक्ति के अनुरूप, अपने सामर्थ्य अनुरूप तपसी प्रवर्त से, तुम अपने तपस्या के कर्म में, तपो कार्य में, साधना के कार्य में, व्रत नियम में प्रवर्तित हो रही हो। प्रावोपसर्ग व्रत धातु, हाँ उसमें आत्मनिपदी मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष, एक वचन प्रवर्त से, प्रवर्तित हो रहे हो या तुम प्रवृत्त हो रहे हो,
अर्थात तपस्या का काम कार्य तुम अपनी शक्ति के अनुरूप कर पा रही हो या नहीं, ये फिर ये तीन बातें, एक दो तीन, तीन जो तपस्या से संबंधित कुशल क्षेम पूछ करके वह कहते हैं इस बात को समर्थन करने के लिए एक सूक्ति का प्रयोग करते हैं जो इसका समर्थन किया जाता है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार हो रहा है। वो कहते हैं खलु निश्चित रूप से शरीरम, जो शरीर है वो क्या होता, आद्यम धर्म साधनम, सबसे पहला ही धर्म का साधन है, धर्म का पहला साधन कौन है, शरीर। बाद में जो कुछ किया जाएगा शरीर रहेगा तो तब होगा, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए कहते हैं शरीर का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शरीर तो साधन है और बाकी सब साध्य है। आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, वाकरी करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, हवन करो, जो कुछ करो किससे करोगे, शरीर से तो है, शरीर नहीं है तो खाली आत्मा से हो सकती क्या, आत्मा टिक सकती क्या, आत्मा भी अपने कार्य को सिद्ध करती है शरीर के माध्यम से, शरीर नहीं रहे तो आत्मा अपने कार्य सिद्ध नहीं कर सकती है, इसीलिए आत्मा तब छोड़ देती है जब शरीर उस लायक नहीं रहता। भाषांसी जिन्यान यथा विहाय नवानि गुन्ना तीन रूपराणी तथा शरीराणी विहाय जिन्ना निन्या निशंया ति नवानि देही। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर क्योंकि धर्म को साधन करना, चाहे धर्म हो चाहे अर्थ हो चाहे काम हो मोक्ष हो, पुरुषार्थ चतुष्टय है, आगे बताएंगे धर्म अर्थ काम के बारे में भी, या जो धर्म है पहला जो कर्तव्य कर्म है धर्म है, उस धर्म के साधन करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता, और कैसे शरीर की आवश्यकता, स्वस्थ शरीर की आवश्यकता। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, दुष्ट है, है तो फिर उस शरीर से कुछ नहीं होना है। इसलिए कहते हैं हमारे स्मृति भी कहती है बात क्या, आत्मानं सततम रक्षे धनेरपि दारेरपि, स्वयं की रक्षा करो पहले, अपना शरीर स्वयं माने या शरीर के लिए करे, आत्मा के लिए नहीं, अपना अगर अपन जिए रहेंगे जिएंगे अपने स्वस्थ पूर्वक रहेंगे तब जाकर किसी की रक्षा कर पाएंगे। अगर हम पड़े हैं, हम कमजोर हो गए तो हम दूसरे की कैसे रक्षा करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। धर्म की रक्षा करने की तो बात दूर की बात है नहीं, तब ये बात करे शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, क्योंकि धर्म का सबसे पहला साधन कौन है, शरीर है। शरीर भला तो सब कुछ भला, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसे निरोग काया होना चाहिए। हाँ, आप अपनी शक्ति के अनुरूप सारा काम कर रहे कि नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे हैं तो शरीर को ध्यान करते हुए इसके पीछे ये कहना चाह रहे हैं कि अपने शरीर का पहले ध्यान रखो, उसके अनुरूप आप फिर ये तपस्या के कर्म करो। ये एक तरह से उनको सलाह है ब्रह्मचारी का कि ऐसा नहीं हो आप शरीर को ध्यान नहीं रखते हुए तपस्या करते जाओ, फिर ये संभव नहीं हो पाएगी। एक तरह से उनको उनके प्रति एक संवेदना बताना चाह रहे हैं, कौन, ब्रह्मचारी की वेश में शिव भगवान। तत्र कुशलक्षेमं यदा प्रारब्धवान ब्रह्मचारी तत् कुशलक्षेम प्रश्न प्रसंगे प्रथमं सह पृच्छति यत् इं हवनकार्यनिमित्तं समिदा समित यज्ञ काष्ठ इंधनम कुशादीनां तत्र सुलभता वर्तते उत न अपि च स्नानकरणीय स्नान योग्य जलम लभ्यते उत न इं स्वशक्ति अनुरूपं भवत्या तपः साध्यते उत न यतो हि तपः साधन निमित्तं वा धर्म साधन निमित्तं शरीरमेव प्रथमं साधनं, यदि शरीरं स्वस्थं स्यात् तै तत्र सर्वं धर्मकार्यं साध्येत, यदि शरीरं अस्वस्थं भवे तर्हि धर्मकार्यं साधयितुं नैव शक्येत, अतः तत्र शरीरस्य रक्षा प्रथममेव करणीया इति ब्रह्मचारी वदति। कस्यै, मात्रे पार्वत्यै, हिमालयपुत्री ब्रह्मचारिणी तपस्विन्यै अपर्णायै उमायै वा। ठीक है, आगे चलें। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं, इसमें
अर्थांतर न्यास अलंकार है, सॉरी। आगे देखिए 33वां हो गया, 34वां अपि त्वदावर्जित वारिसंभृतम प्रवालमासामनुबंधि विरुधाम चिरोज्जिताल तकपाटलेन ते तुलाम यदारोहति दंतवाससा। संधि विच्छेद त्वत् धन आवर्जित वारिसंभृतम त्वदा वर्जित वारिसंभृतम। दूसरे चरण में प्रवालम धन आसाम धन अनुबंधी बराबर प्रवालम आसाम अनुबंधी। चौथे चरण में यत धन आरोहति बराबर यदारोहति। अन्यः अपि त्वदावर्जित वारिसंभृतम आसाम विरुद्धम प्रबालम अनुबंधी यत् चिरोज्जितालक्तकपाटलेन ते दंतवाससा तुलामारोहति। यह ब्रह्मचारी पार्वती जी से जो पूछते हैं वह है कि तपस्या की कड़ी में जो पेड़ पौधे आदि लगा रखे हैं कि पेड़ पौधे वो सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उनके पत्ते वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि और इसके बहाने वे थोड़ी सी पार्वती की तारीफ भी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आगे हम बताएंगे जब इसका अर्थ कर लेंगे। अन्वय अपि क्या त्वदावर्जित वारिसंभृतम त्वया अवर्जितेन वारिणा संभृतम त्वदावर्जित वारिसंभृतम। तुम्हारे द्वारा दिए गए सिंचे गए जो पानी है जल है उसके द्वारा संभृतम सिंचित अभिसिंचित या लालित पालित या बढ़ाया गया है ऐसे वह उत्पन्न हुआ। आसाम विरुधाम प्रबालम इन विरुधाम लताओं का आसाम अधस शब्द स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन आसाम इन विरुधाम लताओं का जो प्रबालम पत्ता वो पत्ते कैसे है तोदावर्जित वारिसंभृतम तुम्हारे द्वारा पिलाए गए सिंचित किए गए जो पानी है उन पानी से ही उत्पन्न हुए इन पेड़ पौधों के लताएं। वे लताओं में पत्ते आते कैसे पानी पिलाएंगे, बिना पानी पिलाए पत्तों में पौधों में लताओं में आएंगे नहीं पत्ते। तो उससे जो जनित उत्पन्न हुए जो पत्ते इन पौधों में लताओं में वो पत्ता अनुबंधी यत् प्रबालम अनुबंधी अर्थात ये पत्ता जो है अनुबंधी माने अविच्छिन्न है, क्या निरंतर प्रवृत्त है, क्या निरंतर बढ़ता तो जा रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अर्थात सब कुछ ठीक ठाक है, अर्थात मौसम अनुकूल हो सूर्य ताप मिला हो पानी ढंग से मिला हो तो पत्ते बढ़ेंगे। तो यही पूछेंगे जैसे हमारे घर में परिवार सज्जन आप किसी घर वाले को पूछेंगे भाई तुम्हारे बच्चे कैसे ठीक पढ़ रहे कि नहीं, उनको पोषण सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर सही मिलेगा कुपोषण नहीं होगा तो बच्चे ठीक पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे चलेंगे ठीक से चल रहा कि नहीं चल रहा ठीक से बोल रहा कि नहीं बोल रहा ये पूछते हैं। तो यहाँ पार्वती के परिवार कौन है, यही है पेड़ पौधे लत्ते और हिरण पशु पक्षी ये सब रहेंगे। तब धीरे धीरे हिरणों के बारे में पूछेंगे, पहले पौधों को लताओं को पूछ रहे हैं। ये जो सार्वजनिक प्रेम है विश्व वैश्विक प्रेम है ये महाकवि कालिदास का जीवन दर्शन है, ये इनका निदर्शन है, ये इनकी कवित्व प्रतिभा है, ये इनकी काव्यगत वैशिष्ट्य भी है, पर्यावरण चेतना भी है। वो कह रहे हैं इन पौधों की जो पौधों का जो पत्ता है पत्ते हैं क्या ये ठीक से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, लगातार तो चल रहे हैं लगातार तो आ रहे हैं एक के बाद एक फूट तो रहे हैं पत्ते पत्ते अधिक से अधिक फूटेंगे जितना पत्ता होगा उतना ही लता सुंदर दिखाई देगी नहीं। और यत क्योंकि चिरोज्जित चिरोज्जित अलक्त कपाटलेन यत माने जो पत्ता
जो पत्र जिस जो पत्ता कि तुम्हारे द्वारा पिलाए गए पानी के कारण निकल रहे हैं लताओं से हैं, जो पत्ते वह जो पत्ता निकल रहा है वो पत्ता चिरोज्जित पालक चिरोज्जितालक्तक पाटलेन चिरम वा चिरा उज्जित यह अलक्तक येन तथा भूताम अपि पाटल पाटलम तेन चिरोज्जितालक्तक पाटलेन। बहुत दिनों से जिन्होंने अपने वोट पर लाक्षारस लगाना छोड़ दिया है फिर भी वो वैसा ही लाल है। पहले भाई लड़कियां लिपस्टिक लगाती लाल करती वोट को, हैं पार्वती भी लिपस्टिक लगा के लाल करती थी, लेकिन अब जब अपने पिता के वहाँ थी क्योंकि अब वो आश्रम में ब्रह्मचारिणी के वेश में तपस्विनी के वेश में वो उस लाक्षारस को लगाना छोड़ दिया। छोड़ने बाद भी वो लाली वहाँ यद्यपि सामान्य रूप से क्या हो लगाने पर तो रहेगा, अगर जो नहीं लगाता तो चला ठीक ठाक है जो भी सुंदरता उसके अंदर है, लेकिन लगाने बाद धीरे धीरे क्या होता उड़ जाता है रंग और खराब हो जाता है। क्यों ना उसमें केमिकल मिला रहे, वहाँ तो ऐसे नहीं था, वो नेचुरल था लाक्षारस तो उससे, लेकिन पार्वती उससे भी ज़्यादा सुंदर थी क्योंकि स्वभाव सुंदर थी, हैं स्वभाव सौंदर्य उनके पास होने के कारण उनके वोट में होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके वोट की लाली माँ होने के कारण लाक्षारस को परित्याग करने पर भी वो सौंदर्य उसी प्रकार बना रहता था। तो इसलिए करें चिरोज्जिता अलक्तक पाटलीन, बहुत दिनों से अलक्तक लाक्षारस को लगाने छोड़ने के बाद भी बावजूद भी जो पाटल था जो लाल रंग था ऐसे ते दंतवाससा तुम्हारे दंत वाससा तुम्हारे दंत दंतानम वासह यत्त दंत वास तेन दंत वाससा दंतों का वास निवास स्थान कहाँ है होठ, होठ तो रोकता ना उसको, होठों के बीच में तो दांत रहता है, होठे ढकते हैं उनको तो इसे दंत वास कहते हैं। तो होठ इस होठ के साथ तुलाम आर होती तुलना या उसको बराबरी को धारण करता है, जो पत्ता धारण करता है अर्थात तुम्हारी बराबरी धारण करने के लिए प्रयत्न करता है। इस प्रकार कह रहे आरोति आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आरोति या प्रतिपि अलंकार, क्योंकि भाई लालिमा हमेशा उपमा दी जाती है वोट की उपमा उन पत्तों से कोमल पत्ते से दी जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा कालिदास कह रहे हैं कि लताएं कि जो लताओं के जो पत्ते हैं वो पत्ते तुलना कर रहे हैं कि लालिमा की किसकी तुम्हारे होठ से तुम्हारे होठ की लालिमा से कर रहे हैं कि तुम्हारे होठ की बराबरी है कि नहीं है, बराबरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मानवीकरण भी है यहाँ, मानवीकरण क्यों ना पत्ते कैसे बराबरी करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो करना ये कवि का वैशिष्ट्य है, या मानवीकरण किया गया पत्तों के द्वारा मानवीय आचरण विधान किया गया कि बराबरी करने वाली बात है। तो इस प्रकार वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे द्वारा पिलाए गए पानी के पानी से जिन पत्तों जिन लताओं पर ये जो पत्ता उग रहा है ये बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि जिस पत्ते के द्वारा तुम्हारे बहुत दिनों से लाक्षारस न लगाने की वजह से फिर भी लालिमा को बनाए रखने वाले तुम्हारे होठ से तुलना करने वाले स्पर्धा करने वाला है ऐसा ही जो पत्ता इसकी सब कुशलता तो है, ढंग से प्रसूति हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि बार बार उत्पत्ति हो रही कि नहीं हो रही, इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं। संस्कृत में देखिए किम त्वया प्रदत्तेन जलेन उत्पत्त जनितम यत लतानम यत पत्रम तत नैरंतरेण प्रवर्धते उत न येन पत्रेण किम क्रियते न तव बहुदिनेभ्य लाक्षारसस्य प्रयोगम त्यक्त्वा अपि तत्य बहु दिनेभ्य पूर्वं लाक्षारसस्य प्रयोगस्य संविधानं विनापि तव ओष्ठयोः रक्तिमा परिवर्ति तेन रक्त तेन बा रक्तिमता रक्तिमता सह यत तुलाम
आरोपयितुं यत् चेष्टते तत् पत्रं प्रवर्धते वा न इति एषः तत्र कुशलक्षेमः। चले आगे। अपि प्रसन्नं हरिणे सुते मनः करस्तदर्वा प्रणयापहारिषु यौत्पलाक्षी प्रचलैर्विलोचनैः स्तवाक्षिसादृश्यमिव प्रयुञ्जते। आप ब्रह्मचारी ने पहले वाले श्लोक में लताओं के बारे में पूछा, लताओं के पत्तों के बारे में पूछा, अब आश्रम में वासु जंगल में रहने वाले हिरणों के बारे में, मृगों के बारे में, मृगांगनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। क्या उनका कुशल क्षमत है? संधि विच्छेद देखिए, तीसरे चरण में प्रचले ही धन विलोचने ही, प्रचलेर विलोचने ही धन तव धन अक्षिसादृश्यम धन इव बराबर प्रचलेर विलोचने ही स्तवाक्षिसादृश्यम इव अन्वय। अपि करस्थ प्रणयापहारिषु हरिणेषु ते मनः प्रसन्नं हे उत्पलाक्षी यही ये प्रचलैः विलोचनैः तव अक्षिसादृश्यं प्रयुञ्जते इव। उत्प्रेक्षालंकार है और प्रतिपिपि है। तो ब्रह्मचारी पूछ रहे हैं कि अपि क्या करस्थ दर्भ प्रणयापहारिषु करे तिष्ठन्ति ये ते करस्थः, करस्थः ये दर्वा करस्थ दर्वा तस्मिन् वा तेषु प्रणयः इति करस्थदर्भ प्रणय तेन अपहारिषु करस्थदर्भ प्रण दर्भ प्रणयापहारिषु। हाथ में रखे हुए जो कुशाएँ रखी हुई जो कुशाएँ उन कुशाओं के प्रति दर्भ के प्रति प्रणय के कारण प्रेम के कारण मोहब्बत के कारण पर उसको खाने की आसक्ति के कारण उसको अपहरण कर लेने वाले उसको ले जाने वाले उसको खा ले खाने वाले ऐसे हरिणेशु हिरणों में ते मनः प्रसन्नम तुम्हारा मन तो प्रसन्न है, तुम ऊपर तो नाराज तो नहीं हो, तुम्हें प्रसन्नता तो है। मेरे ख्याल में तुम्हें प्रसन्नता जरूर होगी। क्यों ऐसा पूछ रहे? इसीलिए क्योंकि यहाँ जो हिरणांगनाएं थी वह हिरण थे, वो इतने विश्वास कर बैठे थे पार्वती के ऊपर कि पार्वती उनका आत्मीय स्वजन बन गया बन गई थी और पार्वती से इतने मिल गिल गए थे वो आकर के पार्वती से बिल्कुल निडर होकर उनके सामग्री उनके हाथ से भी लेकर के खा लेते थे। जब डर नहीं होता भय नहीं होता जो खिलाते थे उसको तो खाती थी, जो खिलाती थी उसको तो हिरण खाते थे, परंतु हवन के लिए जो कुशाएं हाथ में हैं लेकिन उन कुशाओं को भी वो हिरण उनके प्रति ज़्यादा प्रेम था, कुशाओं को खाने उनका प्रिय भोजन है किनका? हिरणों का। वो हिरण उसको प्रेम की वजह से उनके प्रति आसक्ति की वजह से उनके हाथ से लेकर के छीन कर खा लेते थे, क्यों डर नहीं था पार्वती के प्रति और उससे उन्होंने अपराध किया गलती की भाई, क्योंकि जिन कुशाओं के द्वारा हवन कार्य किया जाना उन कुशाओं को अगर खा जाए फिर हवन कार्य कैसे होगा, इसीलिए अपराध करना उन पर नाराज होना स्वाभाविक है किनका? पार्वती का। लेकिन ये नाराज नहीं होती थी, प्रसन्न होती थी। क्यों? ना क्योंकि ब्रह्मचारिणी थी, क्योंकि ये तपस्विनी थी और ये जो पशु हैं जो आश्रम के हिरण हैं उनके प्रति उनका वात्सल्य प्रेम था स्नेह था तो उन पर नाराज नहीं हो रही थी, प्रसन्न धैर्यपूर्वक वो प्रसन्नता को जाहिर करती थी। इसीलिए वो पूछ रहे हैं क्या तुम उन पर प्रसन्न हो या नहीं हो, क्योंकि आगे पूछ रहे हैं हे उत्पलाक्षी, हे उत्पलाक्षी उत्पलवत अक्षिणी यस्या सा उत्पलाक्षी तत्संबोधने उत्पलाक्षी, हे कमल की तरह आंखें वाली, हे कमल नयनी। देखिए हिमालय पुत्री पार्वती की सुंदरता को जहां बता रहे हैं साथ साथ उसकी तारीफ कर रहे हैं।
तरीके से ब्रह्मचारी, क्योंकि सौंदर्य प्रिया होती है कौन, महिलाएं, स्त्रियां, नारियां, नारी जाति सौंदर्य प्रिय होती, और उनकी सौंदर्य की कोई तारीफ कर दे और उनके सीना फूल जाता और ऊपर चढ़ जाते उनके जैसे आकाश में आ गए, अरे मैं ही सुंदर हूँ, सब सुंदर बनना चाहते हैं ना, और कोई कह दे भाई तू तो सुंदर है, बहुत सुंदर है, अगर सुंदर होते हुए कहीं कह दे तू असुंदर है फिर देखना उसका मुँह कैसे मलिन पड़ जाएगा, नहीं सब सुंदर बनना चाहते, इसलिए तब तो लिपस्टिक लगाते, पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, तरह तरह फिर ब्यूटी पार्लर जाते, ये सब है। तो इसीलिए वहाँ भी स्वाभाविक बातें हैं, या ब्रह्मचारी या ना उनकी थोड़ा ब्रह्मचारी ने तारीफ कर दी, इसलिए कह रहे हे कमल नयनी, और इससे पद्मिनी जातीय स्त्रीत्व का भी क्या प्रमाण मिल रहा है, और यह भी द्योतित हो रहा है कि पार्वती पद्मिनी जातीय स्त्री थी कमल नयनी। और ये जो हिरण प्रचले ही बिलोचने ही चंचल नेत्रों से आंखों से, तब तुम्हारे अक्ष सादृश्यम प्रयुंजते ही वो, मानो तुम्हारे आंखों के सादृश्य को समानता को प्रयोग कर रहे थे। आप देखो यहाँ भी पति पलंकार हो गया ना, जबकि मृग नहीं, नहीं कहते, क्योंकि मृग की आंखें के समान जिसकी आंखें चंचल नहीं होती वो सुंदरता का प्रतीक है, चंचल नहीं होना चाहिए और मृग के साथ लंबी आंखें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, मृगांगनाए तुम्हारे आंखों से बराबरी करने के लिए कोशिश कर रहे थे, कहीं ये पार्वती की आंखों के बराबर हमारी आंखें काश होती है, इस प्रकार वो देख रहे हैं ऐसे चंचल हमारी होनी चाहिए, ऐसे लंबी हमारी होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार प्रकारांतर से ब्रह्मचारी तारीफ कर रहा है किसका, पार्वती का, लेकिन सुसंजक तरीके से, भाई एकदम कोई लड़का एक लड़की को आकर तो आज बहुत सुंदर लग रहे ब्यूटीफुल, तो लड़की एक तमाचा लगाएगी ना, है तेरे को और कहने लगा तो मेरे को आकर कस रही तुरंत तमाचा लगेगी, भाई उतना कहने के लिए उसके उतने करीब होना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा, इसलिए पहले के अनुजीता क्रमा क्रम को नहीं छोड़ा, धीरे धीरे बातचीत करके दोस्ती करके फिर ये बात कह सकती, एकदम डायरेक्ट कहते तो तब पड़ जाएगा चप्पल सीधे गाल पर, तो ये बात हो सकती कि नहीं हो सकती, तो ये बात इसीलिए उस समय तक उस स्थिति तक आ गए थे ब्रह्मचारी, तब उन्होंने कहा क्या तुम बहुत सुंदर हो, तभी ये बात प्रकारांतर से कह रहे हैं कि कह रहे हैं अत्र ब्रह्मचारी कथयति कि तब हस्तस्थ जो दर्भान भोक्तुम ये हिरणाः आगच्छन्ति तेषु हिरणेषु तव स्वाभाविक स्नेहस्तु वर्तते तेषु त्वदीया प्रसन्नतास्तु वर्तते यतो हि हे सुंदरी तव नेत्रयोः चंचलता चंचलतया सह ये मृगाः किं कुर्वन्ति न तुलाम आरोहितुं चेष्टन्ते इति मृगनयनी त्वं सर्वदा कुशलिनी तु असि ते तपस्या तु कुशलिनी वर्तते ते तपस्यायाः कर्म तु कुशलं वर्तते मंगलं वर्तते उत न एवं ब्रह्मचारी कुशलक्षेमं प्रच्छन आस्ते आगे चले। तो इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है प्रतिपद अलंकार है, एक और श्लोक पढ़ा के आज विराम लेंगे। पार्वती से कुशल समाचार पूछने के बाद ब्रह्मचारी उसके रूप शील और आचरण भी प्रशंसा करता है। अब तो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहे थे ना, अब 36वें श्लोक में डायरेक्ट पूछने लग गए, थोड़ा सा बढ़िया तारीफ करने लग गए उसकी सुंदरता की, पहले तो तारीफ कर रहे थे थोड़ा सा घुमा फिरा के तारीफ कर रहे थे, अब डायरेक्ट क्योंकि इतना उनका विश्वास हो गया अब इसकी तारीफ की जा सकती है। बोले यदुच्यते पार्वती पापवृत्तये न रूपमित्यभिविचारितद्वचः तथा हिते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामाप्युपदेशतां गतम्। लेकिन तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी शालीनता को नहीं छोड़ रहे, मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर रहे, मर्यादित तरीके से कह रहे, माने जैसे कि एकदम फोड़ नहीं लगे, भद्दी नहीं लगे उसकी सुंदरता की तारीफ में। तो कह रहे हैं हे पार्वती, संधि विच्छेद देख लीजिए पहले सेकंड चरण में, प्रथम चरण में यत धन उच्चते यद उच्चते, दूसरे चरण में रूपम धन इति धन अव्यभिचारी रूपमित्यभिचारी, तीसरे चरण में
शीलम धन उदार दर्शने, शीलम उदार दर्शने। चौथे चरण में तपस्विनाम धनपि धन उपदेशताम, बराबर तपस्विनामप्युपदेशताम। अन्न हे पार्वती, हे हिमालय की पुत्री पार्वती, हे पार्वती यदुच्यते, जो कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है दुनिया में सामान्य रूप से, रूपम पापवृत्ते न, रूपम पापवृत्ते न, सौंदर्य जो होता वो पापाचरण के लिए नहीं होता है। इति तद बचा ये वाक्य अव्यभिचारी न वादितम, अर्थात सत्य है। साधारण रूप से जो मूर्ख गुवार होंगे कहेंगे रूप जो है ज्यादा सुंदर होना, सौंदर्यवती होना पाप का कारण है, अर्थात सुंदरता को देख करके सब आएंगे, गलत मनोवृत्ति होगी। लेकिन विद्वान लोग जो कहते हैं रूप जो होता सौंदर्य होता वो पाप वृत्ति के लिए नहीं होता, सौंदर्य को देख करके, सौंदर्य माने या बाह्य सौंदर्य की बात कर रहे हैं। देखिए सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक अंत सौंदर्य एक बाह्य सौंदर्य। बाह्य सौंदर्य की बात अभी चल रही है, बोले जो बाह्य सौंदर्य है रूप है वो पाप वृत्ति के लिए नहीं होता। ये जो मुनि लोग तपस्वी लोग या स्वाभिमानी लोग विद्वान लोग कहते हैं बिल्कुल सही है, रूप कभी पाप के लिए नहीं होता। देखो ना तुम्हारे, तुम्हारा जो सौंदर्य पाप के लिए नहीं है, तुम इस सौंदर्य को पाप में भी लगा सकती हो। आजकल में जैसे रूप को देखकर पाप में लगाते हैं, आप विदेशी संस्कृति आ गई ना, जो कोई सुंदरी हो जाए मैं तो विश्व सुंदरी हूँ, अब देखो वो अपने माया जाल को कैसे फैलाती है, फिर उल्टा सीधा कितने न जाने कितने लोगों के प्राण जाते, कितने लड़कों के प्राण जाते, उनकी करियर चौपट हो जाती है। तो ऐसा नहीं, पार्वती का जो सौंदर्य था, क्योंकि पार्वती एक सती स्त्री थी, साध्वी स्त्री थी, स्वाभिमानी थी, हाँ तब वो बात को कह रहे हैं। ये उनके तरीके से पार्वती के चरित्र पर बात चल रही है कि तुम रूपवती हो लेकिन पाप करने वाली नहीं हो, तुम्हारे सौंदर्य तुम्हारे साथ है लेकिन वो सौंदर्य पाप के लिए नहीं है। उसका महत्व उद्देश्य, महान उद्देश्य क्या है, मैं कह रही तद बचा अव्यभिचारी, क्योंकि वो व्यभिचारी नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है कि रूप कभी सौंदर्य कभी पाप का आचरण के लिए नहीं होता है। क्यों ना, हे उदार दर्शन, देखो विशेषण सभी कितना विशेषण शब्द सुंदर है। देखिए बोले हे उदार दर्शन, उदारम दर्शनम यस्या सा उदार दर्शन तत् संबोधन, हे उदार दर्शन, हे उदार दर्शन वाली माने दर्शन दृष्टि, जहाँ उस करें कमल नहीं कह रहे थे, उत्पल नहीं कह रहे थे, मृग नहीं कह रहे थे, वही उदार दर्शन ही कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा रूप जो है पाप के लिए नहीं है, इस बात कहने के लिए उदार दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये आंखें हैं, हम जैसे नजरिया से देखें वैसा होगा, तुम्हारी नजरिया ऐसी नहीं है, तुम्हारी नजरिया कैसी है, सात्विक भाव को धारण करने वाली नजरिया है, उदार दर्शन हो तुम, क्योंकि जीव जंतुओं पर प्राणियों पर दया करने वाली हो और इस मनुष्य समाज के लिए भी दया करने वाली हो, मुनि ऋषियों पर भी तुम्हारी भावना बिल्कुल वही कैसे पवित्र भाव है, पवित्र भावना है, तथा ही वैसे ही ते शीलम, यह अंत सौंदर्य आ गया, जो बाह्य सौंदर्य बता रहे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में ते शीलम, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो सद्वृत्त है, तुम्हारा जो आचरण है, कैसा न, तुम तपस्या कर रही हो, देखो कितनी कठोर तपस्या कर रहे हो, हाँ मुनि व्रत को अपना रखी हो, ऐसा कोई सुंदरी लड़की कोई कुमारी कोई ऐसी करेगी क्या, नहीं करेगी, लेकिन तुम कर रही हो। ये जो तुम्हारा शील है, तुम्हारा आचरण है, वो तपस्वी नाम अपनी उपदेशताम गतम, तपस्वियों के भी उपदेश के योग्य बन गया है, अर्थात तपस्वी भी इनसे उपदेश प्राप्त कर लेते, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देखो पार्वती आदर्श है, पार्वती के तपस्या का कर्म आदर्श है। तुम ऐसी एक लड़की हो, तुम ऐसी सुंदरी हो कि तुम्हारे सौंदर्य बाह्य सौंदर्य के साथ तुम्हारा अंत सौंदर्य इतना बढ़िया है जिससे कि तपस्वी लोग तुम्हारे से कुछ शिक्षा तपस्वी लोगों को मिलेगी। हे पार्वती यत उच्यते, कि ब्रह्मचारी कथयति, यत उच्यते संसारे कि रूपम पापाय भवति, सौंदर्यम पापाय भवति, पापाय न भवति इति एतद् वाक्यम सर्वथा सत्यम, यतो हि ते आचरणं सर्वथा मुनिनामपि सद्वृत्तये, मुनिनामपि उपदेशाय भवति, अतः भवति किं भवति न भवति अनिन्द्य सुन्दरी तु वर्तते अपि च भवति अपूर्व तपस्विनी वर्तते इति उक्त्वा अग्रे गच्छामः। अर्थांतर न्यास अलंकार में समर्थन किया गया, अर्थात न्यास अलंकार है। यहीं आज विराम लेते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है।